आरके टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को धमकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है और वह ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है उतना यूरोप एक शाम में रूस से तेल का आयात करता है। जयशंकर ने कहा कि अगर अमेरिका की नजर रूस से तेल खरीदने वालों पर है तो उसका फोकस यूरोप के देशों पर होना चाहिए। अभी भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से जबकि 10% तेल अमेरिका से आयात करता है। साकी ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा संसाधनों में और विविधता लाने में भारत की मदद करने के लिए वह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत का रूस से तेल और गैस खरीदना किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बैन लगाया है, उससे तेल नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। रूस अपने दोस्त भारत को डिस्काउंट पर तेल ऑफर कर रहा है। पिछले दिनों भारत ने साफ किया था कि वैध तरीके से ऊर्जा खरीदने का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जो देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं या जो स्वयं रूस से तेल आयात करते हैं वह प्रतिबंधात्मक व्यापार की वकालत नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा था कि भारत द्वारा रियायती दर पर रूसी तेल खरीदने की पेशकश को स्वीकार करना अमेरिका द्वारा मास्की पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन रेखांकित किया कि इन देशों को यह भी समझना चाहिए कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच वह कहां खड़ा होना चाहते हैं। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।